तो क्लिक करके आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं। अच्छा है, तो आप भी देखने के लिए आ गए कि सच में चेन्नई हैक हो चुका है। जी हाँ, चेन्नई हैक हो चुका है। ऐसे हो चुका है कि यहाँ सूर्य ग्रहण लगा, शायद सब जगह इंडिया भारत में सब जगह लगा होगा, तो इसलिए ये देखिए 6 लाइन रोड है, फिर भी यहाँ पे बिल्कुल आदमी नहीं है, पूरा खाली है। सरकारी बस बंद हो चुका है और इक्का दुक्का बस ऐसा चल रहा है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो ग्रहण है वो इंसान पे कुछ गलत प्रभाव डाल सकता है और उससे कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो यहाँ पे सरकारी बस भी बंद कर चुका है लगभग 2-3 घंटा के लिए। और हम जहाँ काम करते हैं, ये देखिए मेरा होटल है, यहाँ अभी सब कुछ बंद है, नहीं तो ये पार्किंग पूरा फुल होता था। हम यहाँ सामने नहीं जा सकते हैं और क्योंकि हम यूनिफॉर्म में है। ये देखिए मेरा दुकान है और यहाँ पे बिल्कुल खाली हो चुका है। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये लोग खाना में क्या डालते हैं। चेन्नई हैक हो चुका है और इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रहण का बहुत ज़्यादा मतलब मानना है इन लोगों का कि वाकई में सूर्य ग्रहण सच में काम करता है। तो इन लोगों का ऐसा है कि सूर्य ग्रहण लगने के बाद शाम को 7 बजे तक पूरा यहाँ पे सब कुछ बंद रहेगा और हमारा दुकान भी बंद है। और पूरा क्योंकि खाना वाना पे ज़्यादा, हम भी आप हमारा वीडियो देखेंगे कि खाना वाना में क्या ऐसा एक घास टाइप का डालते हैं, पुआल टाइप का डालते हैं, क्योंकि उसमें ये सूर्य ग्रहण का लगना मतलब उस पर नहीं पड़ता। जैसे हमारे गाँव में भी होता है कि हम लोग खाना नहीं बनाते जब तक सूर्य ग्रहण लगा रहता है, या उसके बाद हम लोग बनाते हैं ताकि सूर्य ग्रहण का उस पर मतलब कुछ प्रभाव नहीं पड़े, और नहाने के बाद हम लोग खाते हैं। तो ऐसा इन लोगों का मानना है। और यहाँ पे बस बंद कर, सरकारी बस बंद है और ऑफिस बंद कर दिया है, होटल लाइन बंद है, जो कि यहाँ पे सारे लोग मतलब खाना वाना बनाते हैं या उसमें खाना जो लोग खाएंगे, इसलिए खाना को भी थोड़ा देर के लिए रोक गए। और ये लोग पूरा एक टाइम के लिए, तो पूरा समझिए 2 घंटा के लिए पूरा चेन्नई बिल्कुल ही रुक गया है। अभी आपको हम दिखाएँगे कि कैसे ये लोग क्या डालते हैं खाना में कि उस पर ग्रहण का कुछ ऐसा मतलब प्रभाव ना पड़े। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यही वो है, ये पता नहीं क्या है, एक घास टाइप का है और इसी को सारे खाना में डाल दिया गया है। जिस तरह हम अपने गांव में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, उसी तरह ये लोग इस तरह घास को डालते हैं। इस एक पुआल टाइप का है, ये देखिए सारा खाना में डाल चुके हैं, सांभर में, कुरमा में, ये ऐसा। और ये देखिए सब खाना में डाल चुका है। अभी और आपको आगे दिखाते हैं, चाइनीज़ आइटम जो होता है वो सब में सारे चीज़ में डाल के रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए नीचे ये देखिए नीचे ये ग्रेवी है, चाइनीज़ ग्रेवी है, सूप है, और बहुत सारा जितना सारा ग्रेवी होता है सारे चीज़ में डाल के रखा है ये लोग। और पता नहीं इनका, ये देखिए यहाँ ग्रहण लग गया है, और ग्रहण जब भी यहाँ लगता है तो ये वाला खाना में डाल देता है। ये देखिए दुकान में बिल्कुल भी कोई आदमी नहीं है, सारे लोग जा चुके हैं और सब लोगों को 3 घंटा के लिए छुट्टी दे चुका है, जबकि अभी बज रहा है शाम के 4 बज रहा है। और अभी से लेकर 7-7:30 बजे तक एक स्टाफ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ना कुछ सेल्स होगा। सोचिए कि जिस दुकान में डेली का 15 लाख, 12 लाख, 14 लाख सेल्स है, वो भी इस चीज़ को मानता है और अभी पूरा दुकान बंद कर दिया है। बिल्कुल भी आदमी नहीं, 1-2 लोग हैं जो दुकान को साफ़ कर रहे हैं और हम अभी हैं सिर्फ लोग बना रहे हैं आपके लिए। तो आप भी ग्रहण में बच के रहिए और हम भी चलते हैं, आराम करते हैं।